आपको पता है एक बार इसके एग्जाम में क्वेश्चन आया, राजेश इज अ डैश स्टूडेंट, तो इसने ब्लू और गुड में से ब्लू लिख दिया। अंशु वो एक मिस्टेक थी। ओके कोई बात नहीं, खाना खाओ। नहीं बस मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। चलो ठीक है, मुझसे ला देते, आ जाओ। बच्चा अच्छा मुस्कान, एक बात पूछूं क्या? हाँ। मैंने जो अंशु के बारे में सुना था वो सच है क्या? हाँ वो आज आपने देखा ना? एक्चुअली मुझे भी याद नहीं, डोर मैंने खोला था या? आप उसकी बातों को इग्नोर करो, डॉक्टर ने भी यही कहा है। डॉक्टर? हाँ एक्चुअली नानी की डेथ के बाद आप तो चले गए, लेकिन यहाँ बहुत कुछ हुआ, और मम्मी पापा के जाने का जितना दुख हुआ उससे कहीं ज्यादा तो नानी के जाने का हुआ। मम्मी पापा के जाने के बाद हम अंकल आंटी के साथ तो शिफ्ट हो गए, लेकिन अंशु का बहुत बीमार रहने लगे। क्यों, क्या हुआ था अंशु को? पता नहीं, अचानक अपने में ही खोई रहती थी। 2 महीने तक उसने किसी से बात नहीं की, धीरे धीरे ठीक तो होने लगी, लेकिन फिर वो बोलती थी कि मुझे नानी दिखाई देती है, और वो नानी से बातें करती है। क्या? हाँ, पर डॉक्टर ने कहा हमें उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उनसे बहुत क्लोज थी और इसलिए वो ये सब इमेजिन करती है, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ बंद हो जाएगा। तो सब बंद हुआ क्या? बहुत दिनों से इसने ऐसा कुछ किया तो नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद आई डोंट नो। नानी हम लोग एक दिन से ही यहाँ पे हैं। आपको पता है बुआ का घर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा घर है, यहाँ का टीवी भी बहुत बड़ा है। वैसे अभी बुआ और मुस्कान दोनों सो रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। वैसे मेरा वापस जाने का कोई मन नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा। पर मैं आंटी को मिस भी कर रही हूँ। हाँ नानी, मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, रिज़ल्ट अगले महीने है। मुस्कान की भी पढ़ाई ठीक चल रही है। हाँ पहले से ठीक है। हाँ नानी, आप भी अपना ख्याल रखना। गुड नाइट नानी।
नहीं, चलो सो जाओ। कुछ दिन रुकते हैं, अभी नहीं जाना। दीदी तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो हमारे साथ एक लड़का रहता था, वो नानी का फेवरेट था, पर पापा उसे हमेशा भगा देते थे। नानी उससे अपने सारे काम करवाती थी, ब्रेड लेके आ, मुस्कान को स्कूल में एक लड़के ने मारा है, जा उसको मार के आ। पर तुझे ये सब कैसे पता? तू तो तब बहुत छोटी थी, तुझे कैसे याद? मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। अच्छा है लेकिन वो स्ट्रिक्ट है, ज्यादा बात नहीं करते। अंशु तुम डरो मत, अगर तुम्हें नानी दिखाई देती है तो वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। हाँ अंशु, डॉक्टर ने कहा ना ये सब सच नहीं है, अंशु नानी मर चुकी है। अंशु अब वो कभी वापस नहीं आएगी। बोल बेटा बोल, क्या हुआ बच्चा बोल। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? सिर्फ नाटक करती थी, मुझे नानी दिखाई देती है, मुझसे बातें करती हूँ। लेकिन क्यों अंशु? क्योंकि मुझे डर लगता था नानी के जाने के बाद। दीदी और आंटी मुझे अकेला छोड़ देते थे, मुझे अकेले नहीं रहना था, मुझे बहुत डर लगता था। नानी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। लेकिन तुम अब क्यों ये सब बता रही हो? क्योंकि
कि मुझे आपके घर में एक लड़का दिखाई देता है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। कौन लड़का? पहले भी दिखा था? नहीं, कभी नहीं, पर आपके घर में मुझे वो दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसे नानी ने भेजा। झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। लड़का दिखता है लड़का। शायद इसलिए कि जिस चीज से मैं डरती थी वो फिर से शुरू हो गई थी। क्या नाटक कर रही है? कोई लड़का बड़ा नहीं दिखता इसे, बेवकूफ बना रही है आप सबको। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे बोलती, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? Ugh!